कुछ दिनों पहले एक चीज नजर में आई थी हमारे माननीय सभी सर के कि यहाँ सिलगढ़ी शहर में बहुत सारे बाइक्स जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर, यानी कि मोटरसाइकिल जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे रहते हैं, उनसे काफ़ी रोड पर नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। और इसी को हटाने के लिए हमने एक अभियान किया जिसमें पर्टिकुलरली देर रात भी ट्रैफिक पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड रहे और इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर्स या कोई भी रेसिंग बाइक्स को पकड़ने में अभियान किया गया। उसमें देखा गया कि इनको पकड़ना रात को इतना रिस्क फैक्टर डेवलप हो जाता है, उस वजह से एक व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने चालू किया है। हमारे माननीय सी पी सर के आदेश पर एक व्हाट्सएप नंबर चालू हुआ है जो एक डेडिकेटेड ट्रैफिक हेल्पलाइन या ट्रैफिक कंप्लेंट नंबर रहेगा, जिसमें कि अगर आपके घर के बाहर या इस तरह की आवाज़ें आई मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बाइक्स के या इस तरह के नॉइज पोल्यूटिंग बाइक्स की, तो आप उस नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप पर उस बाइक की फ़ोटो, बाइक का नंबर या फोटो या वीडियो डाल करके व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। हम उस पर कार्रवाई करके, ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करके उसको जो भी रेलिवेंट प्रोसिक्यूशन अगर होगा तो करेंगे। यही कहने के लिए मैंने बताया। और ये नंबर आज हम लॉन्च करेंगे, ये नंबर अब चालू हो गया है। ये नंबर है 9091929499। तो एक आसान सा नंबर हम चाह रहे थे कि सबको जल्दी याद भी हो जाए। अभी हम इसको मॉडिफाइड साइलेंसर्स के लिए, बाइक्स के मॉडिफाइड साइलेंसर्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लेंट्स, और इवेंचुअली फिर हम इसे बढ़ाएंगे जिसमें कि और भी ट्रैफिक रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो तो इस नंबर पर किया जा सकता है व्हाट्सएप के ही माध्यम से। केवल नंबर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 9091929499। सर इस पे सिर्फ साइलेंसर को लेकर ही होगा या अन्य कोई भी ट्रैफिक की शिकायतें इस पर की जा सकती हैं? अभी हमारा पहला जो प्रोजेक्ट होगा, पहला पड़ाव हम रखेंगे मॉडिफाइड साइलेंसर्स को लेकर के, और उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स आएगा या पब्लिक और भी कुछ जेन्युइन कंप्लेंट करना चाहेगी तो उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम इंक्लूड करेंगे और तरह के कंप्लेंट्स इंक्लूड करेंगे। कई बार अगर आप पब्लिक में से ही कोई हमें कंप्लेन करना चाहे कि कोई विदाउट हेलमेट है या और भी अन्य तरह के जो भी डेंजरस ड्राइविंग है, रॉन्ग साइड प्रोसिक्यूशन है, अगर कंप्लेन मिलता है हमें तो हम उसको उस पर कार्रवाई कर ही सकते हैं। मगर ये केवल व्हाट्सएप के माध्यम से होगा, हमारे कंट्रोल रूम में ये नंबर डेडिकेटेडली रहेगा पर इस पर फोन नहीं आ पाएंगे। सही नंबर तब से एक्टिव हो जाएगा, चालू हो गया, इसीलिए मैंने अभी आपको बुलाया क्योंकि अब से इस मोमेंट से ये चालू है। ये सर सीधे से भी किसकी निगरानी में रहेगा? आपके कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेगा। कंट्रोल रूम जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहाँ ये नंबर दिया गया। वहाँ कंट्रोल रूम की एक टीम रहती है एक सब इंस्पेक्टर के अंदर, तो वो रहेंगे और नेचुरली जो भी इस तरह के कंप्लेंट्स आएंगे वो इन्वेस्टिगेट हम अपने ट्रैफिक गार्ड से ही करवाएंगे। इन्वेस्टिगेट या फिर उनका जो इंक्वायरी होगी वो ट्रैफिक गार्ड के थ्रू होगा। तो बेसिकली पब्लिक यानी कोई भी कंप्लेंट अगर करना चाहे तो वो इस नंबर पे करे, और उसके बाद इस नंबर से हम अपने जो लोकेशन होगा उस लोकेशन का जो रेलिवेंट ट्रैफिक गार्ड पड़ता होगा वहाँ पर हम सर्कुलेट कर देंगे वो कंप्लेंट, वहाँ से इंक्वायरी रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद एक डेली बेसिस पे ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो जो कंप्लेंट्स आए हैं उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या कितने कंप्लेंट आ रहे हैं या कितना उस पर एक्शन हो रहा है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ दिन इसे एक वीक दो वीक हम मॉनिटर करेंगे कि इसको हम कैसे और इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, तो इसका बेसिकली हम डेली रिपोर्ट लेते रहेंगे। सर अगर कोई कंप्लेन करता है किसी समस्या को लेकर तो उस पर कार्रवाई सर कितने घंटे या कितने दिन में हो सकती है? ऐसा तो कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है मगर, लेकिन हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी चाहेंगे, हम जितना जल्दी कर सकें उतना करेंगे। मगर ये फोन के माध्यम से नहीं होगा, ये केवल व्हाट्सएप के ही माध्यम से होगा। ठीक है।
আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম যে একটা প্রবলেম জানা গেছিল যেখানে মডিফাইড সাইলেন্সারে নয়েজ পলিউটিং বাইক অনেকটা লেট নাইটে চলাচল করছিল, সেটা নিয়ে অনেকটা আওয়াজ হচ্ছিল, সেটা নিয়ে স্টুডেন্টদের একটু ডিস্টারবেন্স হচ্ছিল। এটা নিয়ে আমাদের মাননীয় সিপি স্যার নোটিশ করে তারপরে আমরা একটা প্রজেক্ট করলাম, প্রপার একটা ইনভেস্টিগেশন হলো এটা নিয়ে, প্রপার ক্যাম্পেইন হলো এটা নিয়ে, পাবলিসাইজও করা হলো, আর অনেকটা ওয়ার্কশপে আমরা দেখলাম যে এরকম মডিফাইড সাইলেন্সার যে ফিটিং হচ্ছে গ্যারেজে ওখানেও বলা হলো। এটা নিয়ে তারপরে আমরা একটা চিন্তাভাবনা করে একটা নম্বর ইন্ট্রোডিউস করছি যেটা নিয়ে, যেটাতে পাবলিক নিজেই কমপ্লেন্ট করতে পারে যদি ওনারা জানতে পান যে কোথাও এরকম নয়েজ পলিউটিং বাইক বা এরকম চলাচল করছে। কেন কি অনেকবার এদেরকে রাস্তাতে ধরা সেফ হয় না, অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টের রিস্ক বেড়ে যায়, সেটার জন্য আপনারা হোয়াটসঅ্যাপেই নিজে কমপ্লেন করতে পারেন এই নম্বরে যে এখন দেওয়া হচ্ছে, যে একটা কোনো ভিডিও বা ফটো উইথ নম্বর এরকম যদি পাঠানো হয় তাহলে সেরকম রেলিভেন্ট ট্রাফিক গার্ড ওটার এনকোয়ারি করে নেবে। নম্বরটা আছে 9091929499, এটাতে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে কমপ্লেন করতে পারেন, এই নম্বর এখন অ্যাক্টিভ আছে। আমি সেটাই বলছি যে এখন ফার্স্ট ফেজ আমরা যে চালাতে চাই সেটা এর মডিফাইড সাইলেন্সারের নয়েজ পলিউটিং বাইক জন্য চালাতে চাই, ওটাতেও অনেক রিজন আছে। এখন একটা তো মাধ্যমিক এক্সাম চলছে, সেটা নিয়েও অনেকবার স্টুডেন্টরা যখন পড়াশোনা করে তখন দেখা যায় যে নাইটে বাইক যদি খুব আওয়াজ করে তো ডিস্টারবেন্স হয়। সেটা নিয়ে এখন যে ফার্স্ট ফেজ আছে আমাদের সিপি সাহেবের ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশনই আছে যে মডিফাইড সাইলেন্সার নিয়ে এটা স্টার্ট হোক, হয়তো রেসপন্সটা দেখে তারপরে আরও ইম্প্রোভাইজ করে আমরা এটা অন্য ট্রাফিক কমপ্লেন্টের জন্য এটা এগোতে পারি। আচ্ছা,